नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। इस वीडियो पर हम इकोनॉमी के करंट इवेंट पर बात करने वाले हैं। हाल ही के दो चार दिन पहले ही 2019-20 वित्तीय वर्ष के जीडीपी आंकड़ों के बारे में कुछ यहां पर नई जानकारी हमारे सामने आई है और इस वीडियो और इस पावर पॉइंट के माध्यम से हम उन्हीं जानकारियों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके का अप्रोच रखेंगे। तो हम इस इकोनॉमी करंट इवेंट को हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिसिटी विद सिंप्लिसिटी अप्रोच के साथ। डायनेमिक अर्थात इकोनॉमी विषय का वो भाग जो लगातार बदलता रहता है, अर्थात जो करंट इवेंट होते हैं हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उन आंकड़ों को पढ़ते हैं तो उसके जो टर्म्स होते हैं, इस सब्जेक्ट के जो टर्म्स होते हैं वो बहुत ही कठिन लगने लगते हैं। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे इस डायनेमिक पार्ट को तो कवर हम कर लें, साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट पर भी हमारी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए। तो चलिए, इस टॉपिक पर जो हेडिंग आपको देखने को मिलेगा वो हेडिंग कुछ इस प्रकार से है कि इकोनॉमी इन डीप फ्रीज। अब इस हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं कि आगे की कहानी किस आधार पर बढ़ने वाली है। हमारी इकोनॉमी फ्रीज हो चुकी है, फ्रीज अर्थात जम जाना, ठोस हो जाना, कठोर हो जाना। डीप फ्रीज अर्थात काफ़ी गड्ढे पर भी है, डीप अर्थात काफ़ी दबा हुआ है, गड्ढे में है, और साथ ही साथ जमा हुआ है, अर्थात ना तो उसमें किसी प्रकार का उत्पादन हो रहा है, ना तो उसमें किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि या हलचल हमको देखने को मिल रही है। और इसी हेडिंग के आधार पर, इसी हेडिंग के साथ ही ये जो करंट इवेंट है उसका सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है और वह यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फेल 3.1% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019-20। अर्थात जब आप चौथे क्वार्टर की बात करें 2019-20 की, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे सामने आई है वो गिर के 3.1% हो चुकी है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष अर्थात 12 महीने को हमने तीन तीन महीने के आधार पर चार क्वार्टर बांट दिया। अब 2019-20 का चौथा क्वार्टर अगर आपके सामने कहा जा रहा है, अर्थात 2020 के जनवरी से मार्च तक की कहानी है, तो जनवरी से मार्च तक जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसमें 3.1% की ही वृद्धि देखने को मिली है, जो पिछले क्वार्टर से या फिर इसी अवधि के पिछले वर्ष की जो अवधि थी उससे हमको ये वृद्धि दर कम देखने को मिलेगी। अब इसे अगर हम एक इमेज के आधार पर समझें तो आपके सामने ये इमेज आ चुका होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट स्लोड डाउन टू 3.1% फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-20। आप यहाँ पर इस लाइन को देख रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब बात ये आती है कि सर ये रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। इस रियल जीडीपी ग्रोथ को समझने के लिए हमें थोड़ा स्टैटिक पोर्शन की तरफ चलना पड़ेगा। देखिए, जब भी जीडीपी आप सुने तो जाहिर सी बात है बहुत ही आसान भाषा में आप उसे कह सकते हैं कि एक निर्धारित समय पर किसी भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा, उस मौद्रिक मूल्य को उस भौगोलिक क्षेत्र का हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अर्थात जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक बाउंड्री के अंदर, उसकी मनी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। अब ये जो मनी वैल्यू है, ये जो मौद्रिक मूल्य है, ये दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं जीडीपी की। एक जिसमें मुद्रा स्फीति सम्मिलित होता है और एक जिसमें मुद्रा स्फीति सम्मिलित नहीं होती, अर्थात वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत को शामिल नहीं किया जाता। तो उस मौद्रिक मूल्य में जहां पर हमने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है, उस मौद्रिक मूल्य को जहां पर हमने 2011-12 के मौद्रिक मूल्य के आधार पर कॉन्स्टेंटली उसे लेकर आगे बढ़ा है, उस मौद्रिक मूल्य को हम रियल जीडीपी कहते हैं और उसमें जो वृद्धि होती है उसे रियल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। और जब आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कहें या नॉमिनल या फिर नाम मात्र जीडीपी कहें, अर्थात ये वो मनी वैल्यू होगी जो अभी वस्तु और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होगी या फिर इस वर्ष में जो मौद्रिक मूल्य प्रचलन में है उसके आधार पर जब जीडीपी निकाला जाए तो उसे जीडीपी प्रचलित भाव, जीडीपी एट करेंट प्राइस या फिर नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में समझना अगर हो तो आप हमारे इकोनॉमी के वीडियोस पर जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाकर आप इकोनॉमी के इस स्टैटिक पोर्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वेबसाइट पर जाएंगे, मोबाइल कोर्स आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही बेसिक तरीके से। अब इस करेंट इवेंट को अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लू लाइन है जो रियल जीडीपी को शो कर रही है वो यहाँ पर आकर रुक जाती है। इस हिसाब से अगर आप देखें
तो 3.1% पर है ये क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2020 पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी समय जब आप नॉमिनल ग्रोथ रेट की बात करें तो आपको 7.5% आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो नॉमिनल ग्रोथ रेट होता है और जो रियल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इन्फ्लेशन की रेट के कारण होता है। अगर यहाँ पर 3.1% रियल जीडीपी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है, और अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% है अर्थात उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, तो 7.5 से 3.1 को अगर आप माइनस कर देंगे तो जो आपको परसेंटेज वैल्यू दिखेगी वो उस टाइम पीरियड का इन्फ्लेशन रेट दिखाएगा। तो इन्फ्लेशन के साथ वाला जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो नॉमिनल, और विदाउट इन्फ्लेशन के साथ का जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो आपका हो गया वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी। अब बात ये आती है कि हमारे देश की ये जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, वाई। तो इसके पीछे रीज़न बताया गया कि इसके पीछे रीज़न है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, हार्डली उसमें इम्पैक्ट आया है, नेगेटिवली इम्पैक्ट आया है। इसका ये अर्थ है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, कंजप्शन के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाज़ारों में लोग वस्तुएं खरीदने नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा है। देखिए, जब कोई मार्केट में डिमांड बनाएगा नहीं, वस्तुएं खरीदने आएगा नहीं, तो जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड है नहीं, और प्रोड्यूस नहीं करेगा अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि बिना निवेश के प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिक्कत में है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहाँ पर दिक्कत में है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो इस एक लाइन पर जो छुपा हुआ कारण है, वो छुपा हुआ कारण ये है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, उपभोग नहीं कर रहे हैं लोग, कंजप्शन नहीं है मार्केट में। अब इसके आगे की कहानी अगर हम समझें तो हम ये पाएंगे कि इस आंकड़े के द्वारा अर्थात 2019-20 के चौथे क्वार्टर का 3.1% ग्रोथ रेट आगे कितना गंभीर बनता है, तो वो आप देखेंगे कि दिस पुल डाउन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ टू एन 11 ईयर लो ऑफ 4.2% इन 2019-20। अर्थात 2019-20 का जो ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला है वो है 4.2%। ध्यान रखिएगा 4.2% हमारी 2019-20 की ग्रोथ रेट है। ये वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2019-20 के लिए ग्रोथ रेट क्या होगा, और इसके पीछे का जो आप कहानी देख रहे हैं वो ये है कि 11 ईयर लो हमको ये ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, अर्थात 11 साल के बाद आज 2019-20 में हम इतने निचले स्तर तक पहुंच गए हैं जब जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हम कर रहे हैं तो। और ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो कम हम देख रहे हैं वो सरकार के जो अनुमान थे उससे भी कम है। सरकार ने अनुमान लगाए थे 5%, लेकिन हम पाते हैं कि 4.2% का ग्रोथ रेट यहाँ पर बना हुआ है 2019-20 के लिए। अब इसके आगे कुछ अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जनवरी मार्च क्वार्टर में slumped against the National Statistical Organization's advance estimate of 4.7%, it came down because of the contraction in the manufacturing and construction sector। और ठीक इसी समय अगर आप अपने पड़ोसी देश की जानकारी देखना चाहें तो आप पाएंगे कि चाइना विथ विच इंडिया इज इन कॉम्पिटिशन टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी saw its economy shrinking by 6.8% in January-March 2020। अर्थात आपके जो पड़ोसी देश हैं, जो चाइना है, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी श्रिंक हुई है, अर्थात कमजोर हुई है। देखिए, ये सब जो शब्द हैं, श्रिंक होना या फिर लो होना, या फिर आप जो इकोनॉमी के टर्म या इकोनॉमी को समझने के लिए जो टर्म्स होते हैं उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में भले आपको ये आर्टिकल या फिर आपको ये कंटेंट दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि इकोनॉमी को काफ़ी बेहतर तरीके से समझने के लिए इकोनॉमी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। चलिए इसके आगे की कहानी देखते हैं। इसमें तो इतनी जानकारी आपको मिल गई, आप यहाँ पर और डिटेल में इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार नीचे जा रही है। मतलब कि अगर आपसे कोई ये कहे कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन हुई है, तो आप इस इमेज के माध्यम से, आप इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कोरोना महामारी के पहले ही आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार नीचे की ओर जा रही थी, अर्थात पहले से ही आपकी अर्थव्यवस्था पर समस्या
ठीक, तो फिर इन आंकड़ों के आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों की टिप्पणी पर अगर हम नजर डालें तो इकरा रेटिंग एजेंसी के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं अदिति नायर, इनका ये कहना है कि उन्होंने क्या कहा, तो हम पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो सेट द फ्यूचर एक्सटेंशंस ऑफ द लॉकडाउन दो विद ग्रेडेड रिलैक्सेशंस एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ सब्सटेंशियल डिलेज इन गेटिंग द फुल सप्लाई चेन ऑपरेशनल वुड फर्दर डैम्पन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इनका ये कहना है कि अगर फर्दर एक्सटेंशन होता है लॉकडाउन में, भले कुछ हम उसमें रिलैक्सेशन दें, लेकिन फिर भी जो डिले होगा सप्लाई चेन को लेकर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। सप्लाई चेन अर्थात वस्तुओं का उत्पादन होना और बाज़ार तक पहुंचना। तो जब रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कुछ रिलैक्सेशन होने के बावजूद अगर फैक्ट्रियां या फिर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अपने उत्पादन प्रारंभ नहीं करते, अपनी कंपनी अपनी यूनिट शुरू नहीं करती, तो सप्लाई चेन काम नहीं करेगा। और इस सप्लाई चेन के काम नहीं करने के कारण हमारी इकोनॉमी और नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, क्योंकि उत्पादन ना होने से लोगों की आय नहीं होगी, क्योंकि उनकी रोज़गार छिन सकती है, और अगर रोज़गार छिन गई तो मार्केट में डिमांड फिर से क्रिएट नहीं होगा। जो कारण पहले था वो कारण यहाँ पर मूलभूत कारण यही बना रहेगा। और इसी टिप्पणी के आधार पर उन्होंने आगे की जो कहानी बताई वो 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए कुछ जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि वी एक्सपेक्ट इंडियन जीडीपी कॉन्स्टेंट प्राइस अर्थात स्थिर भाव पर या फिर रियल जीडीपी पर टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 25% एंड 2.1% रेस्पेक्टिवली। तो इनका ये अर्थ है कि 25% या फिर 25% तो यहाँ पर नीचे जाएगा ही, इकोनॉमी नीचे जाएगी, और 2.1% रेस्पेक्टिवली कम होगा, कब, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू पर। तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू अर्थात आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2020-21 का जो क्वार्टर वन होगा वो होगा अप्रैल मई जून, और क्वार्टर टू होगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस दो क्वार्टर्स पर आप यहाँ पर क्रमशः वृद्धि दर यहाँ पर देख रहे होंगे। फिर इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए इन्होंने क्या कहा कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2.1% एंड 5.01% रेस्पेक्टिवली इन क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर। अर्थात जब क्वार्टर थ्री पर जाएंगे, सितंबर के बाद का जो तीन महीना होगा वहां पर 2.1% और 5% की वृद्धि दर दिखेगी आखिरी क्वार्टर पर। तो एक प्रकार का एक पॉजिटिव साइन भी है कि हमारी इकोनॉमी गिरते गिरते थोड़ा सा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो दौर आ चुका रहेगा जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन शुरू हो चुका रहेगा, अर्थात मॉनसून का प्रभाव आ चुका होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहां पर आने लग जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारी सप्लाई चेन अच्छा काम करने लग जाए, और अच्छे काम करने से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी पॉजिटिवली यहां पर बढ़ने लगे, और इस प्रकार से पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष पर 5% का हम यहां पर ग्रोथ रेट देख सकते हैं 2020-21 में। तो ये था अदिति नायर के द्वारा दिया गया टिप्पणी, और इसी के साथ ये वीडियो ये करंट इवेंट में समाप्त करता हूँ। कोरोना महामारी के कारण आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।